So good morning students, here we are to discuss some of the amendments in your auditing paper. अब कुछ students बहुत परेशान हैं कि sir हमने सुना है कि बहुत सारे amendments आए हैं May 17 exams के लिए. So what are those amendments? तो यहाँ पे हम कुछ amendments discuss करने वाले हैं audit के अंदर जो कि applicable हैं आपके IPCC auditing के अंदर भी और CA final के auditing के अंदर भी. दोनों ही लेवल के एग्जाम्स में ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं. अमेंडमेंट्स जो हैं, लेट मी टेल यू, ऑडिटिंग में बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं. जो अमेंडमेंट्स है वो मोस्टली आए हैं आपके कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, एलाइड लॉज के अंदर, राइट. ऑडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है. कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ अभी जो हम लोग अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है आईपीसीसी एग्जाम्स और सीए फाइनल एग्जाम्स दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है. आगे चल के मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि कुछ अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल होगा, आईपीसीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट. सो नाउ सर, अमेंडमेंट्स कहाँ आया है? अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें सर, तो अमेंडमेंट जो मेनली आए हैं इस बार वो काफी सालों के बाद आई विल से आए हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में. कहाँ आए हैं? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में. नॉर्मली हमने ऐसा देखा है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में कभी अमेंडमेंट्स नहीं आते. जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो कंपनी अकाउंट्स, कंपनी ऑडिटिंग, इन एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं. मगर दिस टाइम जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो आया है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में. जिन स्टूडेंट्स ने पहले क्लासेस की होगी तो उन्होंने अमेंडमेंट्स वाले फोल्डर में दो नए स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे. एक तो रिवीजन पढ़ा होगा SS 610 का और एक नया जो एश्योरेंस एंगेजमेंट का स्टैंडर्ड आया था वो भी किया होगा. तो वो दो स्टैंडर्ड्स तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे. उसके अलावा कुछ स्लाइट चेंजेस हैं, एक नया स्टैंडर्ड ऐड हुआ है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, राइट. सो नाउ जो सबसे बड़ा चेंज है ना इस बार वो क्या है कि ICI ने एक नया स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज SA 701. एक नया स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इंट्रोड्यूस किया गया है SA 701. अब इसी स्टैंडर्ड का इंपैक्ट हमें जगह जगह तीन चार स्टैंडर्ड्स में और देखने को मिलेगा. जो बाकी स्टैंडर्ड्स में इंपैक्ट आ रहा है वो सिर्फ इसी स्टैंडर्ड का आ रहा है और एज सच बाकी स्टैंडर्ड्स में कुछ अमेंडमेंट्स नहीं हुए. सो नाउ अगर आप याद करो, अगर आप थोड़े से बैकग्राउंड में चलो, बैकग्राउंड में हम चलें, तो आपको याद होगा हमने SA 700 की सीरीज में क्या क्या किया था. आप मुझे बताओ पहले कि हमने SA 700 की सीरीज में क्या क्या किया था. सर हमने किया था SA 700. क्या था SA 700? फॉर्मिंग एन ओपिनियन कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे. और वो कौन सा ओपिनियन था जिसके बारे में हमने बात की थी? हमने बात की थी अनमॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में. किसके बारे में? अनमॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में. उसके अलावा 700 की सीरीज में हमने क्या किया था? 700 की सीरीज में हमने किया था SA 705. SA 705 क्या था? SA 705 मॉडिफिकेशंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट था. यानी ये बात करता था मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में. किसके बारे में बात करता था? मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में बात करता था. SA 706 हमने किया था. 706 क्या था? 706 में हमने दो चीजें पढ़ी थी. एक पढ़ा था इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और दूसरा हमने पढ़ा था अदर मैटर्स पैरा, राइट. वैसे तो ऐसा 700 में और दो स्टैंडर्ड्स थे. 710 था कंपैरेटिव्स, 720 था अदर इंफॉर्मेशन. लेकिन उन दो स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड इस नए स्टैंडर्ड को समझने के लिए जरूरी नहीं है. इन तीन स्टैंडर्ड्स का बैकग्राउंड जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस न्यू स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग SA 701. तो पहले से थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को फिर से समझते हैं, तभी जाकर इस नए स्टैंडर्ड का इम्प्लीकेशन हमें समझ में आएगा. सो नाउ अब देखो, सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ कि सर ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कहां प्रिस्क्राइब किया गया था? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग हमने पढ़ा था सेक्शन 143 सबसेक्शन 9.
कहां पर आ था? सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 कि ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करने हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है इन 143 सबसेक्शन 10। वंस अगेन क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि सर ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 10। तो 143 सबसेक्शन 10 के पावर को यूज करते हुए एक और स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, दैट इज 701। और हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या बनेगी? हमें अब इस स्टैंडर्ड को भी कंसीडर करना होगा क्योंकि सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 कहता है कि ऑडिटर शुड कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। इसके अलावा आपन ने किया था ऐसे 200 में भी कि ऑडिटर शुड कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऐसे 200 और सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट की वजह से ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने होते हैं और सीजी के पास कहां पावर है उसे प्रिस्क्राइब करने का? 143 सबसेक्शन 10 सीजी को पावर देता है। तो उसी पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग प्रिस्क्राइब किया है 701। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड द 701? क्यों आया ये स्टैंडर्ड, क्या रीजनिंग है इसका? तो अब देखो, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन, इसमें हमने कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात की थी, राइट? किसकी बात की थी? इसमें हमने कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात की थी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या मैं कह सकता हूं फॉर्मेट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो हमने पढ़ा था किस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा, तो हमने इसे रिलेट किया था एक एप्लीकेशन लेटर से कि अगर आप एक एप्लीकेशन को कोरिलेट करो तो एप्लीकेशन लेटर में अपन क्या क्या पढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेटर में अपन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, ये है मेरा सब्जेक्ट, ये है मेरा एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ऐसे ही करते थे ना। तो हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, यू नो, सबसे पहले आएगा एड्रेसी का नाम, टू किसको एड्रेस कर रहे हैं अपन, शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, मैनेजमेंट को कर रहे हैं। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्टरी पैरा, उसके बाद हमने पढ़ा था यू नो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा, देन ओपिनियन, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये सारा चीज हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट के फॉर्मेट में भरा था। अब उसी रिपोर्ट के फॉर्मेट में एक पैराग्राफ और ऐड हो गया है 701 की वजह से। क्या ऐड हो गया है? एक पैराग्राफ और ऐड हो गया है जिसका नाम है की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। तो ऐसे 701 में क्या हुआ है, 700 में क्या हुआ है, एक नया पैराग्राफ ऐड हो गया है जिसे हमने बोला की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। क्या है, क्या लॉजिक है देखेंगे। ऐसे 705 में हमने किया था मॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, तीन टाइप्स के मॉडिफिकेशन थे। ऐसे 706 था अपना इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर्स पैरा। नाउ इम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैरा एंड अदर मैटर्स पैरा का क्या लॉजिक था? इम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैरा में हमने पढ़ा था कि सर नाम से पता चल रहा है इम्फेसिस ऑफ मैटर यानी ध्यान देने योग्य, सम मैटर यू नो जो कि मुझे लगता है कि बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो मैटर इंक्लूडेड है, फिर भी वो मैटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इम्फेसिस के लायक है कि हमें उसे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना ही चाहिए। क्यों? प्रॉब्लम क्या होती है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अपने आप में अगर हम बात करें 100-150 पेज का एक बुकलेट है, और किस शेयर होल्डर के पास इतना टाइम है कि वो 100-150 पेजेस के बुकलेट को गो थ्रू करें? तो एटलीस्ट वो मैटर्स जो आपको लगते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, मगर फिर भी अपने को उसे अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो आता था ईओएम पैरा के अंदर। और सर अदर मैटर्स पैरा के अंदर क्या आता था? सर वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं थे, मगर फिर भी अपने को लगता था कि इट इज रेलिवेंट फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लगता था? कि वो मैटर ऑल्दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है, वो यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए काफी रेलिवेंट है, इसीलिए हम उसे कहां इंक्लूड करते थे? अदर मैटर्स पैरा में इंक्लूड करते थे, राइट? और इन सब चीजों का बैकग्राउंड क्या है सर, क्यों ये डिस्क्लोजर, क्यों ऑडिटर को इतना सब कुछ रिपोर्ट करना है?
तो अगेन हमने पढ़ा था कि सर जो ऑडिट होता है वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, जो स्टैक होल्डर्स होते हैं उनका रिलायंस होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, एंड एज सच इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर कि वो हर एक मटेरियल फैक्ट शेयर होल्डर्स तक पहुंचाए, राइट वो क्या करे, हर एक मटेरियल फैक्ट शेयर होल्डर्स तक पहुंचाए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिटर के लिए कि उसे कुछ भी इंपॉर्टेंट पता चले, कुछ भी मटेरियल पता चले, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करे बाय वे ऑफ मॉडिफिकेशन, बाय वे ऑफ इंक्लूडिंग इट इन द इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा, बाय वे ऑफ इंक्लूडिंग इट इन द ओएम पैरा। तो सर ये सब चीजें तो हो रही थी, ये सब चीजें तो हो रही थी, लेकिन अब भी लॉ मेकर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था। लॉ मेकर को लगा कि कुछ और भी है जिसके बारे में शेयर होल्डर्स को अलग से बताना चाहिए। क्या लगा लॉ मेकर को, लगा ठीक है ऑडिट रिपोर्ट में तो इतने सारे कंटेंट्स ऑडिटर डाल ही रहा है, मॉडिफिकेशन के थ्रू वो रिपोर्ट को मॉडिफाई करके मॉडिफिकेशंस के बारे में भी एड्रेस कर रहा है, इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर्स पैरा के अंदर अगेन फर्दर मैटर्स के बारे में वो डिस्क्लोजर दे रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए। क्या है, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिसके बारे में शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए, तो वो क्या है? Now let us discuss कि वो क्या है, क्या सोच रहा है लॉ मेकर, क्या चल रही है लॉ मेकर के थिंकिंग, कि इन सब चीजों के अलावा भी किस चीज के डिस्क्लोजर लॉ मेकर हमसे डिमांड कर रहा है। सो इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था ऐसे 260, क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था ऐसे 260, ऐसे 260 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऐसे 260 के अंदर हमने पढ़ा था मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, क्या पढ़ा था हमने, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस TCWG। क्या मैटर्स थे इसमें, इसमें एक तो हमें कम्युनिकेट करना होता था दोस चार्ज विद गवर्नेंस को इंडिपेंडेंस के बारे में, कि अगर ऑडिटर के इंडिपेंडेंस में कोई भी थ्रेट है तो स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस लिस्टेड एंटिटीज के केस में जाएगी TCWG को। नाउ इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने जगह जगह डिस्कस किया था, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग कहता था ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर भी ऑडिटर के इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता था, ऐसे 200 भी इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर को एंश्योर करने की बात करता था, एंड कंपनीज एक्ट 2013 में भी जगह जगह बहुत सारे प्रोविजन इनेक्ट किए गए थे, जैसे कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, जैसे कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर, राइट जगह जगह अलग अलग प्रोविजन इनेक्ट किए गए कंपनीज एक्ट 2013 में टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, और अगर उस इंडिपेंडेंस में कोई थ्रेट है बॉस तो ऐसे 260 के अकॉर्डिंग अपने को TCWG को कम्युनिकेट करना पड़ता था। उसके अलावा क्या कम्युनिकेट करना पड़ता था, उसके अलावा कम्युनिकेट करना पड़ता था अपने को फाइंडिंग्स, ऑल द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, जो भी ऑडिटर को सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट बराबर नहीं है, फ्रॉड के प्रोबेबिलिटी हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अपने को बहुत मिल गई है तो क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो सारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑडिटर को किसको कम्युनिकेट करनी पड़ती थी, दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी पड़ती थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस, कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर्स, कि जो भी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में भी हमें दोस चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करके छोड़ देना है बॉस, कि कल को कंफ्यूजन ना अराइज हो जाए, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करके छोड़ देगा कि बॉस स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना मेरा काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मेरा काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना मेरा काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम है। तो पहले से ही दोस चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करके छोड़ दो कि बॉस दिस इज माय एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज मैनेजमेंट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो दैट फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो।
एंड साथ ही साथ हम कम्युनिकेट करते थे स्कोप एंड टाइमिंग्स ऑफ द ऑडिट कि सर मेरा स्कोप क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऐसे 200 कहता था ऑडिटर के स्कोप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, और अगर ऑडिटर के स्कोप को आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद अगर ऑडिटर के स्कोप में आप लिमिटेशन लगाओगे तो वो ऑडिट छोड़ के चला जाएगा, रिजाइन कर देगा। और रेजिग्नेशन का इंप्लीकेशन क्या है आप समझ सकते हो सर, सेक्शन 140 में आरओसी को कम्युनिकेट कर देगा कि दिस इज माय रीजन ऑफ रेजिग्नेशन। प्लस जब जब ऑडिटर रिजाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखें कंपनी की तरफ झुक जाती है, एंड दैट बिकम्स ए ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? तो पहले ही अपने स्कोप के बारे में दोस्त हासिल गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देगा कि बॉस दिस इज माई स्कोप एंड डोंट ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट माई स्कोप, डोंट ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट माई स्कोप। तो हमने पढ़ा था कि सर ऐसे 260 में ये सारे मैटर्स TCWG को कम्युनिकेट करने हैं, तो सर यहां तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो फिर हम अमेंडमेंट की क्लास में ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? Why are we discussing as a 260 in the amendment class? Because this forms the background of your amendment. हमने बोला ये सारे मैटर्स दोस्त चार्जर गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है? ये मैटर्स कौन किसको कम्युनिकेट कर रहा था? ऑडिटर दोस्त चार्जर गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर रहा था, और जिन एंटिटीज में TCWG नहीं है वह मैनेजमेंट ही TCWG थी। ऑडिटर कम्युनिकेट कर रहा था दोस्त चार्जर गवर्नेंस को, तो होता क्या था, ऑडिटर ने दोस्त चार्जर गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर दिया, आपस में मामले की सेटिंग हो गई, शेयर होल्डर्स को कभी पता ही नहीं चला। सो नाउ इन्होंने क्या कहा कि आउट ऑफ द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, आउट ऑफ द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ऑल द मैटर्स विच आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर शैल बी कम्युनिकेटेड एज की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना दोबारा से, आउट ऑफ द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस। क्या बोला मैंने, आउट ऑफ द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स। और सिग्निफिकेंस कौन से है, क्या इसका कोई पैरामीटर है? नहीं, दिस अगेन depends on the professional judgment of the auditor. हमने पढ़ा था ऐसे 200 के अंदर कि one of the requirements of a audit is professional judgment. So auditor is required to communicate all significant matters as key audit matter. क्या? As key audit matter in the auditor's report. Now, this is what SS701 states. कि जो matters आपने communicate करे हैं those charged with governance को, उनमें से जो most significant matters होंगे ना, वो shareholders को भी communicate कर देना। या क्या बंद दरवाजे में communication चल रही है sir? Auditor management को communicate कर रहा है या TCWG को कर रहा है? If TCWG is there separately, ऑडिटर TCWG को communicate कर रहा है। और shareholders का क्या? क्या shareholders जो कि कंपनी के owners हैं, क्या उनका हक नहीं बनता उन सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को जानने का? सो टू फर्दर इनहेंस दी यू नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, टू फर्दर इनहेंस दी इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, SS701 हैज बीन इंसर्टेड, जो कहता है कि बॉस अब आप की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड करोगे इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट और इसे कम्युनिकेट करोगे शेयर होल्डर्स को। क्या कहता है ऐसा 701 कि आप कम्युनिकेट करोगे की ऑडिट मैटर्स टू द शेयर होल्डर्स।
और सर ये की ऑडिट मैटर्स होते क्या है? की ऑडिट मैटर्स यानी वो मैटर्स जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है। और सर ये की ऑडिट मैटर्स अपन सेलेक्ट कहां से करेंगे? ये की ऑडिट मैटर्स अपन सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल द मैटर्स दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस। कहां से सेलेक्ट करेंगे? फ्रॉम ऑल द मैटर्स दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस, सो दैट हमारी कम्युनिकेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाए, सो दैट हमारी क्वालिटी ऑफ क्वांटिटिव वैल्यू इनहेंस हो जाए, हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो और इंक्रीज हो जाए, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हर एक इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में पता चले। दिस फॉर्म्स द बैकग्राउंड फॉर SA-701। सो नाउ वी आर इन ए पोजिशन कि हम SA-701 को डिस्कस कर सके, राइट? If you have any problem regarding the notes, तो download link से आप लोग क्या कर सकते हो? आपको साथ में download link दिखाई देगा, so you can download the notes. आप लोग साथ में notes download कर लेना, so that कोई problem arise ना हो, right? So now coming to SA-701, that is communicating key audit matters in the independent auditor's report. तो सबसे पहला सवाल उठता है कि key audit matters क्या है? क्या लॉ मेकर ने डिफाइन किया कि व्हाट आर द की ऑडिट मैटर्स? क्या कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीजें डिफाइन करी? जैसे हमने बोला था सर, 6 इंक्वायरीज हैं, कुछ मैंडेटरी रिपोर्टिंग एरियाज हैं, तो क्या उस तरीके से की ऑडिट मैटर्स को भी डिफाइन किया? नहीं, नहीं किया। सिर्फ इतना बोला कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में जो सबसे सिग्निफिकेंट मैटर होगा ना, उसे क्या कम्युनिकेट कर देना? TCW जी को कम्युनिकेट कर देना, सॉरी उसे शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर देना, एंड वही क्या बन जाएगा? की ऑडिट मैटर्स बन जाएगा, राइट? करंट पीरियड में जो आपके सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे इन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। तो सर की ऑडिट मैटर्स कहां से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस। हमें क्या करना है? की ऑडिट मैटर्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इसका डिस्कस किया मीनिंग कि आखिर ये की ऑडिट मैटर्स क्या है। नाउ यू गो टू द नोट्स, सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई देगा, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। फिर आपको दिखाई देगा द पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स is to enhance the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency about the audit that was performed. Agla point ek clarification hai more or less ki communicating key audit matters is not a substitute for modified opinion or substitute for reporting in accordance with SA-570. Kya hai ye point? Ise pending rakhte hain, abhi acche se discuss karenge. Agla point hai, ऑडिटर शुड टेक इन टू अकाउंट द फॉलोइंग मैटर्स वाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स। सर वैसे तो की ऑडिट मैटर क्या है वो डिपेंड करेगा अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, लेकिन कहा गया कि ऑडिटर को कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर क्या है। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं? Assessed risk of material misstatements और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद SA-315। तो आपन पढ़ते थे कि SA-315 में ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी को, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क और मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर वहां पे ऑडिटर को लग रहा है कि बॉस रिस्क बहुत ज्यादा है, इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर हिम। देन हाई अनसर्टेन मैनेजमेंट एस्टिमेट्स। तो SA-540 में हमने पढ़ा था कि ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि मैनेजमेंट एस्टिमेट्स कितने अच्छे हैं, मैनेजमेंट एस्टिमेट्स कितने सर्टेन हैं, और अगर वहां एस्टिमेट्स की अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त ऑडिटर को लगा कि अनसर्टेन एस्टिमेट्स हैं,
Then again, that forms a, you know, criteria for the auditor to determine his key audit matters and the effect of the audit of subsequent events or transactions that occur during the period. तो ऐसे 560 में जो हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात की थी वो भी एक पैरामीटर होगा ऑडिटर के लिए डिसाइड करने का कि व्हाट इज द की ऑडिट मैटर. नाउ द ऑडिटर शैल नॉट कम्युनिकेट इन ए मैटर इन द की ऑडिट मैटर्स पैरा व्हेन द ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद 705. अब सर ये क्या है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. ऐसे 701 के अंदर ना उन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, दो एग्जांपल्स दिए हैं कि सर ये दो सिचुएशन की ऑडिट मैटर्स पैरा में आई यू नो दिस टू फैक्टर्स विल बी की ऑडिट मैटर पैरा ऑलवेज. ये दो जो आइटम्स होंगे ये हमेशा की ऑडिट मैटर्स होंगे ही होंगे, कोई शंका ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है. आप मेरे को बताना कोई शक है क्या? ऐसे 701 में बोला कि सम एग्जांपल्स ऑफ की ऑडिट मैटर, ये नहीं बताया वैसे की ऑडिट मैटर क्या होता है लेकिन कुछ एग्जांपल्स दिए कि ऑडिट मैटर के. क्या एग्जांपल्स दिया? पहला एग्जांपल दिया कि मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. क्या एग्जांपल दिया? मॉडिफाइड ओपिनियन. अब सर क्या इसमें आपको कोई डाउट है? अगर ऑडिटर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या ये की ऑडिट मैटर नहीं है? बिल्कुल है, कोई शंका ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है. दूसरा सिचुएशन इन्होंने बोला कि एनी इवेंट कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. एनी इवेंट कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. किस कोई ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाए? अब हमने पढ़ा था पैरा 10 ऑफ AS1 गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. पढ़ा था कि नहीं? क्या पढ़ा था? पैरा 10 ऑफ AS1 गोइंग कंसर्न क्या है? एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है. लेकिन अब आप मेरे को बताओ, अगर गोइंग कंसर्न मेरा खतरे में है तो क्या ये एक की ऑडिट मैटर नहीं है? बिल्कुल है सर जी, मेरी कंपनी ही बंद होने वाली है. अब नहीं मुझको पता चलेगा तो कब पता चलेगा? तो ये भी की ऑडिट मैटर है. तो लॉ मेकर ने दो एग्जांपल दिए कि मॉडिफाइड ओपिनियन और वो इवेंट जो डाउट कास्ट करेगा गोइंग कंसर्न में, ये तो हमेशा ही की ऑडिट मैटर्स होंगे. लेकिन मजे की बात क्या है पता है? दिस विल नॉट बी रिपोर्टेड एज की ऑडिट मैटर्स. दिस आर की ऑडिट मैटर्स बट विल नॉट बी रिपोर्टेड इन द की ऑडिट मैटर्स. Will not be reported as key audit matters. अब सर क्या कैसे कैसे बातें कर रहे हो आप? आपने तो कंफ्यूज कर दिया हमें. पहले तो बताया कि ये दो की ऑडिट मैटर्स हैं और अब बोल रहे हो कि रिपोर्ट नहीं होंगे as key audit matters. क्या चक्कर है ये? परेशान मत हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. इन्होंने बोला कि हम एग्री करते हैं कि ये दो मैटर्स हमेशा की ऑडिट मैटर्स है, लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए देयर इज अ सेपरेट रिपोर्टिंग दैट हैज बीन गिवन इन 705. राइट, मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए क्या है? एक सेपरेट रिपोर्टिंग है जो अपन ने 705 में पढ़ा था, याद है? कि अगर मॉडिफिकेशन का इंपैक्ट मटेरियल है, परवेसिव है, तो ऑडिटर वहां पे एडवर्स देगा. अगर मॉडिफिकेशन का इंपैक्ट, उस एरर का इंपैक्ट मटेरियल है मगर परवेसिव नहीं है, तो वो वहां पे क्या देगा? क्वालिफाइड देगा. तो मॉडिफिकेशन ओपिनियन के लिए तो सेपरेट रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया 705 में प्रिस्क्राइब्ड है, और जब इसके लिए सेपरेट रिपोर्टिंग का क्राइटेरिया 705 में प्रिस्क्राइब्ड है तो व्हाई शुड वी रिपोर्ट इट हियर अगेन? दूसरी चीज, इवेंट कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. सो इसके ऊपर भी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी देयर इज अ सेपरेट रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन स्पेसिफाइड इन एसए 570. राइट, क्या है इसके ऊपर? एक सेपरेट रिपोर्टिंग है जो कि हम लोग ऐसे 570 में पढ़ते थे कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है और मैनेजमेंट
उसे रिजॉल्व भी नहीं कर पा रही, जब हम मैनेजमेंट को सवाल पूछेंगे, या फिर दूसरा सिचुएशन था कि जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमें लग रहा है कि क्वेश्चनेबल है और मैनेजमेंट उसे रिजॉल्व कर पा रही है, थर्ड सिचुएशन था यू नो कि हमें लग रहा है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएट ही नहीं है, तो अलग अलग रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, राइट? सो जब वहां पे ऑलरेडी एक अलग से रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 570 में, तो वाई शुड वी रिपोर्ट इट अगेन एज अ की ऑडिट मैटर्स? बिल्कुल सही है ना. सो इसीलिए लॉ मेकर ने कहा कि ये दो मैटर्स नो डाउट की ऑडिट मैटर्स हमेशा रहेंगे, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग की ऑडिट मैटर्स की तरह नहीं होगी, क्योंकि इनके जो खुद के इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हैं, वहां पे इनकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से समझाई गई है, राइट? सो दिस क्वेश्चन आई बिलीव की फॉर्म से यू नो फेयर चांसेस इस क्वेश्चन के कि एग्जाम में आपको दिख जाए कि बताओ कौन से वो मैटर्स हैं जो की ऑडिट मैटर्स तो हैं लेकिन वो की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएंगे, राइट? सो दिस इज एसए 701. मेनली ये सारी चीजें हमें एसए 701 के अंदर याद रखनी है. तो सर मेन अमेंडमेंट तो जो है ना अपना वो 701 में ही आया है. इसी का इंपैक्ट जाएगा अलग अलग स्टैंडर्ड्स में. कहां कहां जाएगा आप समझ सकते हो. एक तो इंपैक्ट जाने वाला है एसए 260 में, इसका इंपैक्ट जाने वाला है और कहां जाएगा एसए 700 में, और कहां इंपैक्ट जाएगा 705 में. 705 में कैसा इंपैक्ट है सर समझेंगे, 706 में भी इंपैक्ट जाएगा, क्या इंपैक्ट है समझेंगे, और एक इंपैक्ट जाएगा एसए 570 में. तो इसी स्टैंडर्ड का जो इंपैक्ट है वो अलग अलग जगह पहुंच रहा है. सो नाउ यू सी नेक्स्ट इज एसए 260 जो आपके अमेंडमेंट शीट में आपको मिलेगा कि एसए 260 में क्या अमेंडमेंट है. तो यही कहा गया कि भैया जो मैटर्स आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए हैं ना, उनमें से ही आपको की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन करना है जो आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से की ऑडिट मैटर्स हो. देन देयर इज अमेंडमेंट इन 705-70 गोइंग कंसर्न. तो वहां यह कहा गया कि कोई भी ऐसा इवेंट है, कोई भी मैटरल अनसर्टेनिटी है जिससे आपको लग रहा है कि आपके गोइंग कंसर्न एजम्पशन में खतरा है, तो वो एक की ऑडिट मैटर तो है बट रिपोर्ट नहीं होगी 701 के हिसाब से, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग 570 के हिसाब से होनी है. अगला अमेंडमेंट है ऐसे 700 में. अब ऐसे 700 में क्या इंपैक्ट आया, ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट था कि सर ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट में एक पैराग्राफ और ऐड हो जाएगा जिसे हम कहेंगे की ऑडिट मैटर्स, राइट? तो व्हाट डज ऐसे 700 सेज, द ऑडिटर शेल नाउ एडिशनली डिस्क्राइब की ऑडिट मैटर्स इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 701 अनलेस लॉ और रेगुलेशन प्रेक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर और द ऑडिटर बिलीव्स दैट रिपोर्टिंग कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट. देन एसए 705. अब सर एसए 705 और 706 में क्या इंपैक्ट आया ये अपने को समझ नहीं आ रहा, राइट? कि उसमें क्या इंपैक्ट है सर इसका. हमने यहाँ पे 701 पढ़ते वक्त इम्फेसिस ऑफ मैटर्स और अदर मैटर्स की तो बात ही नहीं की, राइट? तो सर इसका इंपैक्ट यहां समझने से पहले अगेन लेट अस रिकॉल द मीनिंग कि मीनिंग क्या था इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा का. सर इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा यानी वो पैरा था जहां पे हम उन मैटर्स को इनकॉर्पोरेट किया करते थे जो कि हमें लगता है कि ऑल्दो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है फिर भी अपने को अलग से उसे यूजर्स को दिखाना चाहिए विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अदर मैटर्स पैरा वो था जो ऑडिटर को लगता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन अपने को क्या करना चाहिए, उसे अदर मैटर्स पैरा सैंक्शन में दिखा देना चाहिए. जैसे उसका एग्जाम्पल हमने लिया था कारो 16, द ब्राइट एग्जाम्पल कारो 16, राइट? अदर मैटर्स के लिए नाउ इम्पैक्ट ये आया कि हमने बोला कि सर अगर कोई चीज को आपने की ऑडिट मैटर्स की तरह ऐसे 701 में ऑलरेडी यूजर्स को रिपोर्ट कर दिया है तो उसी मैटर को दोबारा से इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में डालने की क्या जरूरत, उसी मैटर को दोबारा से अदर मैटर्स पैरा में डालने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है.
कि सर व्हेन यू हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड ए मैटर एज अ की ऑडिट मैटर एंड कम्युनिकेटेड टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट तो खत्म हो गई ना, तो दोबारा से उसी मैटर को इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में डालोगे, दोबारा से उसी मैटर को अदर मैटर्स पैरा में डालोगे, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. तो नाउ द मीनिंग विल रिमेन द सेम, बट क्या होगा, लैंग्वेज अब किस तरीके से मॉडिफाई होगी देखना. इफ द ऑडिटर कंसिडर्स इट नेसेसरी to draw users' attention to matter disclosed or presented in the financial statement that in the auditor's judgment is of such a matter that is fundamental to the user's understanding. Kya bola maine, auditor agar consider karega ki zaruri hai to draw user attention to a matter jo ki already presented hai or appropriately disclosed in financial statement, बट दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट इज ऑफ सच ए मैटर कि वो फंडामेंटल यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडिटर शैल इंक्लूड एन ईओएम पैरा. पहला डेफिनेशन यहीं तक खत्म होता था, अब ऐड किया इंक्लूडेड ईओएम पैरा प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन. ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन है तो यहां डालने की क्या जरूरत. एंड यू नो हमने पढ़ा भी था कि देर आर सिचुएशन की जहां पर ऑडिटर क्या कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द रिपोर्ट वो ईओएम पैरा में डाल सकता है. And the matter has not been determined as a key audit matter. यानी अब EOM पैरा में सिर्फ वो मैटर्स आएंगे जिनको की ऑडिट मैटर्स की तरह डिटरमाइन नहीं किया गया. दूसरी चीज अदर मैटर्स, तो अदर मैटर्स में भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. नाउ अदर मैटर्स पैरा में सिर्फ वही मैटर्स आ सकते हैं जिसको ऑडिटर ने की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं इंसर्ट किया है, जिसको ऑडिटर ने की ऑडिट मैटर्स पैरा में इंक्लूड नहीं किया है. राइट तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट कहां गया, छोटा सा इसका इंपैक्ट आएगा आई विल से इन 706 एज वेल. तो जो मेन अमेंडमेंट था अपना वो था 701, दैट इज अ न्यू स्टैंडर्ड. और उसी नए स्टैंडर्ड का जो इंपैक्ट है ना, वो इंपैक्ट हमें देखने को मिला 260 के अंदर, वो इंपैक्ट हमें देखने को मिला 570 के अंदर, ऐसे 700 के अंदर, 705 के अंदर और 706 के अंदर. ये थे आपके अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. इसके अलावा जो जिसने भी क्लास ली होगी तो वहां पे आपको ऐसे 610 और जो एक नया एश्योरेंस का स्टैंडर्ड आया था उसका भी डिस्कशन हम वहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं. राइट right?